नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की, गुरु पूर्णिमा पर्व की। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 5 जुलाई दिन रविवार को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अभी 21 जून को ही सूर्य ग्रहण पड़ा था और उससे पहले 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ चुका था। तो इस तरह एक महीने में ही ये तीसरा ग्रहण पड़ने जा रहा है। मित्रों, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा भी है, बहुत बड़ा पर्व होता है, बड़ी मान्यता है भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा की। और मान्यता इसलिए भी है कि क्योंकि भारतवर्ष में तो सदैव गुरु शिष्य परंपरा रही है, अति प्राचीन काल से रही है। यही वजह है कि आज भी गुरु शिष्य का संबंध विश्व के अन्य देशों की तुलना में अटूट है। गुरु का पद भगवान से ऊपर बताया गया है, क्योंकि गुरु ही प्रभु तक पहुंचने का, प्रभु से साक्षात्कार करने का मार्ग बताते हैं, गुरु ही ज्ञान प्रदाता हैं। पहले तो आश्रम में बालक को भेजा जाता था, जहाँ कुछ वर्षों तक रहकर एक बालक सर्वांगीण शिक्षा ग्रहण करता था, उसका सर्वांगीण विकास होता था। भारत में ज्ञान प्राप्ति की परंपरा रही है, माता पिता तो प्रथम गुरु हैं ही। 5 जुलाई के बाद सावन शुरू हो जाएगा, चौमासा शुरू होगा, देवशयन होगा, तो सभी शुभ कार्य मांगलिक कार्य रोक दिए जाएंगे। तो मित्रों, गुरु पूर्णिमा वह अवसर है जब हम अपने गुरुजनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनके प्रति, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रति नतमस्तक होते हैं। क्योंकि गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, शिक्षा व अन्य नैतिक तत्वों से ही तो किसी का पूरा जीवन गतिमान होता है। तो इस तरह गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपको गुरु की कृपा प्राप्त हो। अब बात करते हैं ग्रहण की। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि में उस वक्त चंद्रमा होगा जब ये ग्रहण पड़ेगा, और सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में होंगे। इस ग्रहण में उन बातों की मनाही नहीं होगी जो ग्रहण काल में होती है, क्योंकि ये पूर्ण ग्रहण नहीं है और भारत में ये दृश्य भी नहीं होगा। ग्रहण के समय चंद्रमा का केवल 35% भाग ही पृथ्वी की छाया में आएगा। तो इस ग्रहण में कोई यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं होगा। ये ग्रहण उत्तर और दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पश्चिम यूरोप और पश्चिम अफ्रीका में दृश्य होगा। भारतीय समयानुसार करीब 8:37 दिन में ग्रहण का स्पर्श वह मोक्ष दिन में 11:22 पर होगा। मित्रों, जहां जहां ये ग्रहण दृश्य होगा, वहां खास तौर पर, वरना तो लगभग सभी स्थानों पर प्राकृतिक उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। जैसे भूकंप आदि का खतरा पहले से चल ही रहा है, तो ये रहेगा। लोगों में मानसिक अशांति का स्तर बढ़ जाएगा। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, और इस वजह से ऐसा होना स्वाभाविक है। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आजकल नेगेटिविटी बढ़ी हुई है। मैं इस पर कल बात करूँगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके डरावने सपने आने की बात कही है, और लोग इन दिनों थोड़े से तनावग्रस्त भी हैं। वैसे भी लोगों में तनाव तो चल ही रहा है कई वजह से। कल के वीडियो में मैं अपनी बात रखूंगा, मैं बात करूंगा कि नेगेटिविटी को दूर कैसे करें। तो फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे कल के वीडियो में पुनः। तब तक आप सभी को जय जय सियाराम, नमस्कार।